नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र राशिफल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है कुंभ राशि के लिए आने वाला नेक्स्ट, अभी जो चल रहा है नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ एक साथ ही प्रेडिक्शन है, क्योंकि आज तारीख 19 है और 19 नवंबर है और प्रेडिक्शन में हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसलिए ये साथ में रहेगा कंबाइंड प्रेडिक्शन नवंबर और दिसंबर का। तो अभी की जो बात करें तो जो सूर्य का गोचर ट्रांजिट है, ये सूर्य अभी वृश्चिक राशि के अंदर चल रहे हैं और 20 तारीख से सूर्य जो है वो अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण शुरू करेंगे, जिसका ऑलरेडी प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर पब्लिश हो चुका है। और सूर्य का ट्रांजिट 10वें स्थान के अंदर राजयोग कारक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, समाज में रुतबा आपका बढ़ेगा, फादर से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा। तो जिनका भी जन्म का चंद्र कुंभ राशि में है, ये जातकों के लिए भी सूर्य 10वें स्थान के अंदर है, और जिनके जन्म के सूर्य भी कुंभ राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर जन्म हुआ है, 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में जन्म के सूर्य भी कुंभ राशि में है, ये जातकों के लिए भी ये सूर्य का प्रेडिक्शन इफेक्ट करने वाला है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों कुंभ राशि के अंदर है तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो सूर्य 10वें स्थान में राजयोग कारक है, 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक जो सूर्य चलेंगे धनु राशि के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी एक्सट्रीमली शुभ है, लाभ करने वाली हैं। तो सूर्य आपके लिए राजयोग कारक हैं और जो ट्रांजिट है सूर्य का एक्सट्रीमली गुड है। राशि के अधिपति जो है वो शनि 12वें स्थान के अंदर हैं और गुरु धन स्थान के अंदर है, जिसके चलते हुए थोड़ा सा पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंस का थोड़ा सा दबाव रहेगा इस वर्ड के ऊपर, थोड़ा सा एक भार क्रिएट करते हैं, क्योंकि गुरु धन स्थान के अंदर हैं और गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि फाइनेंस का रिक्वायरमेंट आपका बहुत बढ़ेगा और ये जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की परिवार के लिए हो सकती है, तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो ड्यू टू सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट्स इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो। सो फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा काम धीमे धीमे होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि गुरु अपने राशि के अंदर हैं, अपने घर के अंदर हैं। राहु आपके पराक्रम भवन में है, साहस भवन में है, आपकी भुजाओं के ऊपर है, साहसिकता आपकी बढ़ाने वाले हैं। केतु भाग्य स्थान के अंदर स्वाति नक्षत्र में है, जो कोई भी जातक का जन्म का सूर्य धनिष्ठा है या चंद्र धनिष्ठा है, ऐसे जातकों के लिए केतु एक्सट्रीमली भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य में 4 चांद लगाने वाले हैं, आपका भाग्य खुलने वाला है, खुल गया है समझ लो आपका भाग्य, इतना जबरदस्त भाग्य आपका खोलने वाले हैं। स्मॉल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी आपका बन सकता है, एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ मिल सकता है। एक्सट्रीमली गुड ट्रांजिट ऑफ केतु, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचाने वाले हैं, मतलब जमीन से लेके सीधा आसमान पर बिठा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। धनिष्ठा वाले जातकों के लिए केतु एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले हैं। और प्रेडिक्शन में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल सुख स्थान के अंदर है, 4थे स्थान के अंदर है, जिसके चलते हुए जो कोई भी जातक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ कार्य कर रहे हैं, लेना बेचना या तो आप खुद लेने के या बेचने का कुछ करने वाले हो, तो अभी का समय जो है इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 4थे स्थान में ये अंगारक योग बनता है सूर्य मंगल का, 4थे स्थान में मंगल है, 10वें स्थान में सूर्य है, जिसके चलते हुए रिलेशनशिप में ऑल्सो माता पिता जॉब में अपर लेवल ये सब के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। और 16 दिसंबर से जब सूर्य चलेंगे धन स्थान के अंदर तो इट्स कॉल्ड कमूरता, इट्स कॉल्ड धनारक कमूरता,
धन राशि में जाने वाले सूर्य हैं, इसको धनारक कपूरता बोलते हैं। तो यहाँ पर भी धनारक कपूरता के अंदर भी कुछ हम नया कुछ लेना होता है या कुछ कार्य करना होता है वो भी नहीं करते हैं। तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मकान वाहन लेना बेचना कुछ भी करना है, अभी थोड़ा सा संभल जाइए, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना करें। हार्ड कैश और बैंक के अंदर रहने वाली कैश के कारक ग्रह जो है वो बुध है। बुध दसवें स्थान के अंदर राजयोग कारक हैं, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करने वाले हैं। बुध का जो भ्रमण है वो 13 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर शुरू हो चुका है, और ये भ्रमण जो है यहाँ पर 2 दिसंबर तक है, और 2 दिसंबर से फिर 27 दिसंबर चलेंगे बुध धनु राशि के अंदर, यानी कि आपके लाभस अंक के अंदर, और 3 दिन के लिए बुध चलेंगे मकर राशि में 30 दिसंबर तक, और फिर से वक्री होकर धनु राशि में चलेंगे आपके लाभस स्थान के अंदर, जो ट्रांजिट होगा 7 फरवरी तक। तो बुध का ऐसे लंबे समय तक लाभस स्थान में रहना आपका जो लाभ है बिजनेस है इसको बढ़ाने वाले हैं। तो गुरु मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र का भी भ्रमण जो है वो 11 नवंबर से वृश्चिक राशि के अंदर है, यानी कि जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड है, ऐसे जातकों का भी कारोबार बढ़ने वाला है। 5 दिसंबर से शुक्र चलेंगे धनु राशि के अंदर लाभ स्थान के अंदर, ये आपके लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे, ग्रैंड सक्सेस इन लव मैटर। 5 से लेकर 29 दिसंबर तक जो शुक्र है आपके लाभ स्थान के अंदर रहेंगे, आपके संतान रिलेटेड कार्य बनेंगे, और 29 दिसंबर से शुक्र चलेंगे फिर मकर राशि में 12वें स्थान के अंदर, तो होटल मोटल रेस्टोरेंट्स इत्यादि के अंदर जो है वो आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, नवंबर और दिसंबर का जो ट्रांजिट है कुंभ राशि के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाले ट्रांजिट है। और आइए जानते हैं, जैसे हमारे हम सब प्रिडिक्शन के अंदर 4थे 8वें और 12वें चंद्र का जिक्र करते हैं, तो ये 4था 8वां 12वां चंद्र जो होता है इसमें हम आपको बताते हैं कि कोई भी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो वो इस प्रकार रहेगा, जो चंद्र होगा कन्या का चंद्र जो होगा ये 19, 20 और 21, यानी कि आज 19 तारीख है, 19, 20, 21 आज कुंभ राशि के लिए 8वां चंद्र है। 8वें चंद्र में परिवार को लेकर फाइनेंस को लेकर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। नदी संबंध तालाब किनारे घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। इसके बाद आपको डेट केयर करना है, जो रहेगा 12वां चंद्र होगा, 8वें के बाद सीधा 12वां चंद्र आएगा मकर का चंद्र। तो मकर का चंद्र जो है ये डेट रहेगी 27, 28 और 29, 27, 28, 29 जिसमें चंद्र होंगे मकर राशि में 12वें स्थान के अंदर। 12वें चंद्र के अंदर भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का नहीं लेना है। इसके बाद आपको चंद्र जो होगा वो 4था चंद्र वृषभ का होगा, जो डेट होगी 6, 7 और 8, ये सुख स्थान के चंद्र है, ये भी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे 6, 7, 8 दिसंबर। उसके बाद 8वां चंद्र होगा कन्या का 16, 17, 18, पारिवारिक और फाइनेंस को रिगार्डिंग कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, माइंड का बैलेंस रखना है, और डेट रहेगी 16, 17, 18 दिसंबर। और उसके बाद वंस अगेन जो चंद्र 12वां होगा, जो डेट रहेगी 24, 25 और 26 दिसंबर, जिसमें चंद्र चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, इसमें भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का जल्दबाजी में नहीं लेना है, रूटीन कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने कुंभ राशि वाले कोई मित्र हैं या जिनका भी जन्म हुआ है
15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में आपके ऐसे कोई मित्र हैं, इनको ये प्रिडिक्शन आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि चैनल से जो भी नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन पब्लिश होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार, आप सबका आने वाला समय शुभ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी एक और नए प्रिडिक्शन में।